हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रही हूँ, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे यूपीएलटी ग्रेड हो, चाहे अदर स्टेट की टीजीटी पीजीटी हो, एमपी टेट हो, सभी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको थ्योरी सेशन, एमसीक्यू, चैप्टर वाइज, प्रीवियस ईयर, सभी प्रकार के वीडियोज चैनल पे दिए गए हैं, जो आपके आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सभी टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये आपकी रिवीजन क्लासेस लेके आई हूँ जो आपके कई सेट में है। इस प्रकार जो सेट ए का अभ्यास टू है, ये इस प्रकार से 10 से 15 16 सेट है, जिसमें से सभी सेट में कम 10 से 12 अभ्यास हैं और कुल मिलाकर के 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन हैं। तो डेली बेसिस पे अभ्यास कीजिए, अपना स्कोर चेक कीजिए। आपने अभी तक में जो थ्योरी सेशन पढ़ा है उसका स्कोर इसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, सभी प्रकार से एक बालक का विकास करना, व्यक्ति का विकास करना ही शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा को कौन सा शैक्षणिक अनुशासन मजबूती प्रदान करता है? तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, वैज्ञानिक सिद्धांत, साइंटिफिक थ्योरी जो होता है वही शारीरिक शिक्षा को, शैक्षणिक अनुशासन को मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्लैडिटोरियल कॉम्बैट किसने प्राचीन कालीन इतिहास से संबंधित था? तो दोस्तों, यह रोम से संबंधित था, वो भी पूर्वाध रोम काल से, पूर्वाध रोम काल से ग्लैडिटोरियल कॉम्बैट। जो इसमें क्या होता था कि एम्फीथिएटर काफी प्रसिद्ध था, इसका आयोजन एम्फीथिएटर में किया जाता था। जैसे कि दोस्तों, आपको सारी शिक्षा के इतिहास के बारे में डिटेल में जानना है, यूनान, रोम, यूनान में आपका होमर काल, स्पार्टा काल, रोम काल आदि के बारे में, जर्मनी का इतिहास, स्वीडन, डेनमार्क आदि के इतिहास के बारे में जानने के लिए सारी शिक्षा के इतिहास पार्ट 1 पार्ट 2 को पूरा डिटेल में देखिए, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और सारी शिक्षा के इतिहास में दो चीज़ें आपको विशेष रूप से पूछा जाता है दोस्तों, कि शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो उत्तर एथेंस काल को यह ध्यान में रखिएगा। और कीचड़ स्नान यानी मड बाथ कहाँ पे प्रसिद्ध था? तो पूर्व एथेंस काल में। और एक और आता है, थर्म फॉर बाथ कहाँ पे प्रसिद्ध था? तो उत्तराध रोम काल में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एशियन खेलों का संस्थापक माना जाता है? दोस्तों, तो प्रोफेसर जी डी सोंधी को एशियन खेलों का संस्थापक माना जाता है। जिस प्रकार आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता पितामह कहा जाता है बैरन पियरी को बर्डी को, उसी प्रकार एशियन खेलों का संस्थापक माना जाता है प्रोफेसर जी डी सोंधी, पूरा नाम है गुरुदत्त सोंधी, ठीक है दोस्तों, फादर ऑफ एशिया प्रोफेसर जी डी सोंधी को बोला जाता है। और इसको एशियाई खेल का नामकरण किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और दोस्तों, और मुख्य बात एशियाई खेल में है कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन जो है 4 मार्च 1951 नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में हुआ था, और जो 2022 का एशियाई खेल है ग्वांगझोउ चीन में हुआ है, और जो 2018 का एशियाई खेल था इंडोनेशिया मलेशिया में हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था 2018 का, आपको ध्यान में रखना है, इंडोनेशिया के शहर जकार्ता और पालेमबांग में हुआ था 2018 का, और 2022 का आपका ग्वांगझोउ चीन में संपन्न हुआ है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो एशियाई खेल है, यह इसका जो प्रतीक चिन्ह है उगता हुआ सूर्य है 11 छल्लों के साथ, और सर्वाधिक बार संपन्न हुआ है बैंकॉक में। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इसका आदर्श वाक्य मोटो है, उद्देश्य है हमेशा आगे की ओर, हमेशा आगे की ओर। एशियाई खेलों के कार्यकारी परिषद को कहा जाता है OCA, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जिसके मुख्यालय है कुवैत के शहर हवाली में, गठन 1922 में हुआ था। यह समस्त एशियाई खेलों का संचालन करती है।
ये आपको ध्यान में रखना है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एशियाई खेलों में प्रथम विजेता, सर्वप्रथम विजेता है भारतीय धावक लेवी पिंटो 100-200 मीटर में, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जाता है कि एशियाई खेलों में प्रथम महिला स्वर्ण पदक विजेता कौन है, तो कमलजीत सिंह संधू है। वो 1970 में थाईलैंड के बैंकॉक में 57.3 सेकेंड में हासिल किया था। एंड प्रथम पुरुष स्वर्ण पदक विजेता एशियाई खेलों में कौन है, तो सचिन नाग है, तैराकी में 1951 में ही इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आज के वर्तमान युग में किसे शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे विकसित राष्ट्र कहा जाता है दोस्तों, वो है अमेरिका। नेक्स्ट है समाज में तथा शिक्षा में शारीरिक शिक्षा किस आधार पर महत्वपूर्ण स्थान अर्जित कर सकती है, तो दोस्तों एक अच्छा नेतृत्व बनाता है शारीरिक शिक्षा। नेक्स्ट है रूस में शारीरिक शिक्षा के संबंध में किस तकनीकी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो एक फिजिकल कल्चर तकनीकी शब्द का प्रयोग किया जाता है शारीरिक शिक्षा के संबंध में रूस में। नेक्स्ट है भारत में शारीरिक शिक्षा के संबंध में शिक्षक प्रशिक्षण को नियंत्रित करने वाली जो वैधानिक संस्था है वो कौन सा है, तो वो है NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना 17 अगस्त 1995 में की गई थी। इसका उत्तरदायित्व भारतीय शिक्षा प्रणाली की मानक प्रक्रियाओं एवं धाराओं की स्थापना तथा निरीक्षण करना है। इसकी 4 क्षेत्रीय समितियां हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी एवं दक्षिणी। नेक्स्ट है NCTE का पूरा नाम क्या है, NCTE का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। स्थापना पूछेगा तो 17 अगस्त 1995 को। नेक्स्ट है UGC का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है UGC का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेक्स्ट है दोस्तों NCERT का पूरा नाम क्या है, तो NCERT का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग एंड सेंटर। नेक्स्ट है NAAC का पूरा नाम क्या है, तो NAAC का पूरा नाम है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। नेक्स्ट है AIU का पूरा नाम क्या है, तो AIU का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट है किसी गामक कौशल के क्रियान्वित करने के लिए प्रयास एवं त्रुटि क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि यह एक थ्योरी है, प्रयास त्रुटि सिद्धांत को दिया था थार्नडाइक ने, आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट है किस दर्शन शास्त्र को एक्सपेरिमेंटेशन कहा जाता है, तो किस दर्शन शास्त्र को एक्सपेरिमेंटम कहा जाता है, तो व्यवहारवाद यानी प्रयोगवाद को, इसको प्राग्मेटिज्म भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग सही हो जाएगा, प्राग्मेटिज्म, इसको व्यवहारवाद, प्रयोगवाद, एक्सपेरिमेंटिज्म एंड डिवाइज्म भी बोला जाता है। व्यवहारवाद या प्रयोगवाद के जो मुख्य संस्थापक हैं, प्रणेता है जॉन डूवी है, और प्रयोगवाद यानी व्यवहारवाद, प्राग्मेटिज्म यानी एक्सपेरिमेंटिज्म का मूल मंत्र है व्यवहारिकता, दक्षता एवं अनुभव, यानी कि इसका कहना है कि सफलता एक अनुभव की कुंजी होती है, यह अनुभव को मेन मानता है, ये आपको ध्यान में रखना है जहां अनुभव की बात आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की वृद्धि जो है, ग्रोथ जो होता है, वो जायगोट से प्रारंभ होती है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसको गैमेट सेल के नाम से भी जाना जाता है। स्त्री और पुरुष के संयुक्त कोशिका को मिलने से जाइगोट होता है, भ्रूण बच्चा बनता है, और उसको संयुक्त रूप से हम कहते हैं गैमेटिक सेल।
नेक्स्ट है, महिला व पुरुष सिर्फ एक चीज को छोड़कर अलग अलग होते हैं। कौन चीज को छोड़कर दोस्तों? एक चीज को छोड़कर अलग अलग होते हैं, कार्यकीय क्रिया, यानी कि जो कार्यकीय क्रिया है इसको छोड़कर अलग अलग होते हैं। मानसिक क्षमता में, शारीरिक बनावट में, संरचना में, तीनों में अलग अलग होते हैं, कार्यकीय क्रिया में अलग अलग नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, जिम्नास्टिक की ज्यादातर मुख्य प्रणालियां किस देश से उद्धत हुई है दोस्तों? जैसे कि हम लोग शारीरिक शिक्षा के इतिहास को पढ़ते हैं तो जर्मनी में पढ़ते हैं कि जर्मनी में क्या कहते हैं, शारीरिक शिक्षा का पितामह कहते हैं जान बर्नार्ड बेस्डो को, और जर्मनी में जिम्नास्टिक का पितामह गर्स मर्स को, जान क्रिस्टोफर गर्स फ्रेडरिक गर्स मर्स को बोला जाता है। और जर्मनी में शिक्षा के जर्मन जाति में राष्ट्रीय एकता के पक्षधर हैं फ्रेडरिक लुडविक जान, ये हम पढ़ते हैं। बट यहाँ पे आंसर आपको दिया गया है कि जिम्नास्टिक की ज्यादातर मुख्य जो प्रणालियां हैं किस देश से उद्धत हुई हैं, तो वह है स्कैंडिनेविया। यहाँ पे दिया हुआ है स्कैंडिनेविया उत्तरी यूरोप के देश जिनके संस्कार व भाषाएं मिलती जुलती हैं। यह देश है स्वीडन, डेनमार्क, हंगरी, फिनलैंड, आइसलैंड, इसको आपको देखना पड़ेगा। नेशन इनमें से किस शहर में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? तो यहाँ पे कलकत्ता, रांची, बंगलोर, गांधीनगर दिया हुआ है, तो आपको देखना है कि किस क्षेत्र में नहीं है साई का कार्यालय। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि साई यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं, वो है आपके दक्षिण केंद्र में बंगलोर 1974 से, पूर्वी केंद्र में कलकत्ता 1982 से, उत्तरी केंद्र में चंडीगढ़, केंद्रीय में दिल्ली, पश्चिमी केंद्र में गांधीनगर, उत्तर पूर्वी इम्फाल, यानी कि 6 केंद्र हैं। इसमें से आपको रांची नहीं है, रांची इसमें नहीं है, कलकत्ता, बंगलोर, गांधीनगर है। इस 6 केंद्र को याद करने का मैंने ट्रिक बनाया है चंगाई बंदिक। क्या? चंगाई बंदिक, चंगाई बंदिक, यानी कि आप याद कर सकते हैं, च से हो गया चंडीगढ़, ग से गांधीनगर, ई से इम्फाल, ब से बंगलोर, डी से दिल्ली, क से आपका हो जाएगा कलकत्ता। ये 6 जो है क्षेत्रीय केंद्र है साई के, इसमें आपका रांची नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, प्राचीन कालीन भारत के इतिहास में शारीरिक शिक्षा से संबंधित सबसे अधिक इतिहास किस काल में मिला है? तो सबसे अधिक इतिहास मिला है तो हिंदू काल में। नेक्स्ट दोस्तों, आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? आदर्शवाद वेरी इंपॉर्टेंट होता है शारीरिक शिक्षा में, आदर्शवाद। तो आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य था सत्यम शिवम सुंदरम। क्या था? सत्यम शिवम सुंदरम, आदर्शवाद यानी आर्यलिज में। इसकी जो उत्पत्ति होती है विचारवाद से हुआ होता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा है कि आदर्शवाद की उत्पत्ति किससे होती है, तो विचारवाद से होती है। विचारवाद का किसमें अवर्णन किया जाता है? तो आदर्शवाद में। इसके प्रतिपादक प्लेटो है, इसके प्रतिपादक कौन है? प्लेटो है, ठीक है। प्लेटो का विचार था कि मनुष्य का स्वरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ, शक्तिशाली, आकर्षक, सुदृढ़ और प्रभावशाली होना चाहिए। और प्राचीन काल में यूनानियों ने शारीरिक शिक्षा की नींव है सुंदर शरीर जैसे आदर्शों पर रखी है, इसलिए आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य था सत्यम शिवम सुंदरम। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खेल में मांसपेशीय क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है दोस्तों? तो यहाँ पे आपको देखना है, शूटिंग में पड़ती है, ताइक्वांडो में पड़ती है, तीरंदाजी में पड़ती है, बट इसमें जो शतरंज है, चेस है, वो दिमाग वाला खेल है, इसमें ज्यादा तामझाम नहीं, शारीरिक रूप से शक्ति और सहनशीलता का प्रयोग नहीं किया करना पड़ता है। नेक्स्ट है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, यह किस दर्शन शास्त्र से संबंध रखता है दोस्तों? तो यह संबंध रखता है यथार्थवाद से। किससे? यथार्थवाद से। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, तो यह संबंध रखता है यथार्थवाद से, रियलिज्म से। इसके पितामह हैं अरस्तु, इसके पितामह हैं अरस्तु। नेक्स्ट दोस्तों, अगर एक बास्केटबॉल के खिलाड़ी को हैंडबॉल खेल सिखाया जा रहा है तो इस क्रिया में स्थानांतरण का प्रभाव कैसा होगा? तो दोस्तों आपको पता है कि जो
आपका स्थानांतरण होता है, सीखने का स्थानांतरण तीन प्रकार से होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यात्मक। धनात्मक स्थानांतरण में होता है कि जब पूर्व का ज्ञान नवीन ज्ञान के अर्जन में सहायता करे, जैसे टेनिस का, बैडमिंटन में। और ऋणात्मक स्थानांतरण होता है जब पूर्व का ज्ञान नवीन ज्ञान के अर्जन में बाधा उत्पन्न करे या बाधक हो, जैसे साइकिल का, नाव में। शून्यात्मक स्थानांतरण होता है जब पूर्व का अनुभव नवीन प्रकार के ज्ञान के अर्जन में न सहायक हो न बाधक हो, तो वहां पे शून्यात्मक स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ बास्केटबॉल का एक खिलाड़ी है जिसका वह नए खेल यानी हैंडबॉल को सीखने में वो प्रयोग कर रहा है, यहाँ पे आपका धनात्मक स्थानांतरण यानी सहायता कर रहा है, तो धनात्मक स्थानांतरण होगा। और सीखने के स्थानांतरण का जो सिद्धांत है वो आपका थार्नडाइक ने दिया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा योजना 1956 में किसने विकसित की या शुरू की, तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन की केंद्रीय सलाहकार समिति ने विकसित की। नेक्स्ट, फ्रेडरिक लुडविग जान ने जर्मनी में किस प्रकार की जिम्नास्टिक को प्रचलन में लाया, यह पेट्रियोटिक जिम्नास्टिक को प्रचलन में लाया, पेट्रियोटिक जिम्नास्टिक को प्रचलन में लाया फ्रेडरिक लुडविग जान, जो जर्मनी में शिक्षा को जर्मन जाति में राष्ट्रीय एकता के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे फ्रेडरिक लुडविग जान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि जर्मनी में किसने एक आयताकार क्षेत्र का निर्माण किया था जिसका टर्म प्लाज नाम था, तो फ्रेडरिक लुडविग जान ने। फ्रेडरिक लुडविग जान ने एक पुस्तक लिखी है जर्मन जिम्नास्टिक, और जान और क्या कहते हैं गटमटर लिखा है जिम्नास्टिक फॉर द यंग और खेल, और एडॉल्फ स्पीक ने लिखा है जिम्नास्टिक प्रणाली। नेक्स्ट है, IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन कब हुआ भारतीय ओलंपिक संघ का, तो 1927 में किया गया IOA का गठन। और दोस्तों IOA के जो गठन है वह सर दोराबजी टाटा के द्वारा 1927 में किया गया, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं पीटी उषा जिसको उड़नपरी कहा जाता है, पीटी उषा को IOA का वर्तमान अध्यक्ष बनाया गया है। और एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि IOA की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो पीटी उषा जो है IOA की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा वस्तुतः किसका क्रियात्मक रूप है, तो दोस्तों यह है मनोरंजन का क्रियात्मक रूप है। नेक्स्ट, विशेष रूप से शारीरिक प्रशिक्षण किसके लिए अधिक अनुकूलित होता है, तो यह सैनिकों के लिए अधिक अनुकूलित होता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने ग्रामीण खेलों के विकास के लिए किस सत्र में कार्यक्रम शुरू किए, तो 1970-71 में किया था। नेक्स्ट है, भारत देश में खेलों के विकास का नियंत्रण किसके हाथों में होता है, तो यह युवा एवं खेल मंत्रालय के अधीन होता है, युवा व खेल मंत्रालय के अधीन होता है। नेक्स्ट है, समाज शास्त्रियों के अनुसार शारीरिक शिक्षा क्या है, तो समाज शास्त्रियों के अनुसार जो शारीरिक शिक्षा है वह मूल्य आधारित शिक्षा एवं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है। नेक्स्ट है दोस्तों, किसने सबसे पहले शरीर के परिमाण और आकार के आधार पर शरीर का वर्गीकरण किया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सेल्डन ने किया था। किसने किया था, सेल्डन ने किया था, आकार और परिमाण के आधार पर, आकार और परिमाण के आधार पर किसने किया था, तो सेल्डन ने किया था। तो दोस्तों सेल्डन ने जो है इसको ध्यान में रखना है, यानी बॉडी टाइप को तीन प्रकार में वर्गीकृत किया है, परिमाण और आकार के आधार पर। इन्होंने एंडोमोर्फिक, मोसोमोर्फिक एंड एक्टोमोर्फिक तीन प्रकार में बांटा है। एंडोमोर्फिक को बिस्रोटोनिक भी बोला जाता है, मेसोमोर्फिक को सोमैटोटोनिक भी बोला जाता है, एक्टोमोर्फिक को सेरेब्रोटोनिक भी बोला जाता है। यानी इसको एंडोमोर्फिक यानी गोलकाय शरीर वाला, और मेसोमोर्फिक यानी सुडोलकाय वाला, एक्टोमोर्फिक यानी लंबकाय वाला। तीनों की विशेषता ये है
कि एंडोमोर्फिक जो है शरीर मोटा कोमल बहुत खाने की प्रवृत्ति वाला आराम तलब विनोद प्रिय मिलनसार होता है, और जो इसमें जो एजिलिटी और स्पीड वाले खेल इसको अच्छा एरोबिक क्षमता वाले अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है। ये उन जिसका संबंध मुख्य रूप से ताकत से होती है जैसे पावर लिफ्टिंग, गोला फेंक, तस्तरी फेंक, सुमो कुश्ती, इसमें ज़्यादा ये परफेक्ट होता है। दूसरा है इनका बॉडी टाइप है मेसोमोर्फिक, जिसमें हर प्रकार से परफेक्ट बॉडी होता है, यानी अस्थि पंजर पेशियां विकसित होती है, मजबूत शरीर होता है, स्वास्थ्य अच्छा, बदन फुर्तीला, साहसी, उत्साही, निडर, सशक्त, अधिकारपूर्ण स्वभाव वाला, कठिनाई में अधिक सक्रिय रहता है। तो इस प्रकार का बॉडी टाइप वाला व्यक्ति ताकत, चपलता, चाल से संबंधित खेलों के लिए अच्छा होता है। तीसरा बॉडी टाइप है इनका एक्टोमॉर्फिक, यानी कि अस्थि प्रधान संरचना। पेशी प्रधान बोलेगा तो मेसोमॉर्फिक हो जाएगा, अस्थि प्रधान यानी दुबला पतला शरीर, लंबकाय, कमजोर और सुंदर होता है, एकांत प्रिय, असामाजिक, अंतर्मुखी, अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हुए दूसरे की सहायता लेने की अपेक्षा अपनी सीमाओं में रहने का प्रयास करता है, और यह सहनशीलता वाले खेलों तथा जिम्नास्टिक में अधिक वर्चस्व बनाए रखता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि सहनशीलता वाले खेलों में यह अधिक वर्चस्व बनाए रखता है एक्टोमॉर्फिक वाला। इस प्रकार सेल्डन ने तीन बॉडी टाइप बताए हैं परिणाम आकार के आधार पर, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। दोस्तों इन्हीं से मिलता जुलता है क्रेसमर का बॉडी टाइप पिकनिक एथलेटिक एस्थेनिक, जो विशेषता आपके सेल्डन के एंडोमॉर्फिक का है वही पिकनिक का क्रेसमर के पिकनिक का है, जो विशेषता आपके सेल्डन के मेसोमॉर्फिक का है वही क्रेसमर के एथलेटिक का है, और जो विशेषता आपके सेल्डन के एक्टोमॉर्फिक का है वही विशेषता आपके क्रेसमर के एस्थेनिक का है। क्रेसमर ने डायस प्लास्टिक नामक एक चौथा बॉडी टाइप बताया है जिसमें उपरोक्त तीनों का मिश्रण होता है। तो और बॉडी टाइप के आपके बारे में पूछना पढ़ना है तो आप स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर के सभी चीजों को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शरीर का अंग किसी काम का नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पे तो कान आपका सुनने का काम करता है, बाल आपको शरीर की रक्षा करता है, ठीक है, सुंदर बनाता है, नाखून जो है जो भी ये भी कार्य करता है, जो अनुत्तिकास्थि है जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसको सर्वाइकल जिसमें 7 हड्डियां होती हैं, थोरेसिक यानी कि वक्ष में 12 हड्डियां होती हैं, कमर यानी कि लंबर में 5 हड्डियां होती हैं, एंड त्रिक यानी कि सेक्रल में 5 में हड्डियां मिलकर एक बनती हैं, और अनुत्रिक यानी कॉक्सिजियल जो होता है 4 मिलकर एक बनती है, जो हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे अंतिम वाला भाग होता है एकदम पूंछ के समान, उसका कोई विशेष काम नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग जो है करेक्ट हो जाएगा, अनुत्तरिक कास्थि यानी कि कॉक्सिजियल जो हड्डी होती है इसका कोई काम नहीं होता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी जो होती है वयस्कों में 26 होती है और बच्चों में 33 होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, शरीर के किस अंग द्वारा किसी के मानसिक गति का पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिया है मांसपेशी, हाथ पैर, सिर, इससे तो हम शारीरिक गति का पता लगा सकते हैं, बस आंखों के द्वारा मानसिक गति का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा और मनोविज्ञान का आपस में कैसा संबंध है। वैसा ही संबंध निम्न में से किसका है, जैसे शारीरिक शिक्षा और मनोविज्ञान का आपस में संबंध है वैसा ही संबंध जो दिए गए ऑप्शन में है उसका संबंध है माँ बेटी का संबंध। नेक्स्ट दोस्तों, किस विज्ञान में प्रयोग एवं अनुप्रयोग का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो दोस्तों मनोविज्ञान में प्रयोग अनुप्रयोग यानी उपयोग अनुपयोग का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत किसमें दिया गया है, तो मनोविज्ञान में। जैसे कि दोस्तों थार्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत दिया है, सीखने के सिद्धांत किसने दिया है, थार्नडाइक ने सीखने का 2 सिद्धांत दिया है, एक मुख्य सिद्धांत एक गौण सिद्धांत। तो सीखने के मुख्य सिद्धांत में थार्नडाइक ने 3 सिद्धांत दिया है, तत्परता का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रभाव का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। जो तत्परता का सिद्धांत होता है लॉ ऑफ रेडीनेस, इसको तैयारी का सिद्धांत, माइंडसेट का नियम भी कहते हैं, इसमें होता है कि कोई सीखने वाला मानसिक रूप से तैयार है या नहीं, या उसमें रुचि लेता है कि नहीं, जैसे कि वार्मिंग अप हो गया, किसी भी क्रिया को करने से पहले अपने को तैयार करना, जैसे कि वार्मिंग अप हमारी पेशियों को प्रभावशाली क्रियाओं के लिए तैयार करता है सारी शिक्षा की दृष्टि से। दूसरा सिद्धांत है इनका सीखने का मुख्य नियम के अंतर्गत अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इसमें उपयोग अनुप्रयोग, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज,
के बारे में बताया है कि जिस चीज का हम बार बार उपयोग करते हैं वो हमारे हैबिट में आ जाती है और उसका जो सीख होता है स्थायी बन जाता है, और जिस चीज को हम सीखना बंद कर देते हैं, उपयोग करना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे वो विस्मृत हो जाता है, भूल जाता है। और तीसरा है आपके उन्होंने दिया है सीखने के सिद्धांत में प्रभाव का नियम, यानी लाभ इफेक्ट, या इसको संतोष का नियम भी बोलते हैं, लाभ सेटिस्फेक्शन, और इसको संतोष असंतोष का भी नियम बोला जाता है। यानी कि जिसको कोई संतोष मिलता है तो उसमें अच्छे से वो काम करता है, जिस कार्य में बालक को संतोष मिलता है वो अच्छे ऊर्जान्वित महसूस करके कार्य करता है, जैसे कोई पुरस्कार दे दिए, प्रशंसा कर दिए, जिस कार्य में रुचि है। और जिसको में उसको रुचि नहीं है या उसको असंतोष मिलता है, उस कार्य को ठीक से नहीं कर पाता, उसमें कुंठित हो जाता है, जैसे दंड और भय का और अरुचि का उत्पन्न होना। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर का पर्याप्त शारीरिक विकास निम्न में से किसके बिना संभव नहीं है। शरीर का पर्याप्त जो शारीरिक विकास होता है किसके बिना संभव नहीं है, ओवरलर्निंग, अति प्रयोग, अति प्रशिक्षण, ये तीनों नहीं होगा। अति भार जो होता है, जितना आपको भार दिया जा रहा है, आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस लेवल पर अपने को विकसित करना है, तो उस भार से थोड़ा ज्यादा भार आप पे दिया जाएगा तो आप एक अच्छे लेवल पर पहुंचेंगे। तो अति भार, अति भार यानी भार प्रशिक्षण होगा, यहाँ अति भार तो नहीं हो सकता दोस्तों। अति भार मतलब यहाँ का मतलब अति भार नहीं है, यानी कि एक श्रेणी लेवल पर आपको भार दिया जाएगा, उससे आवश्यकता से अधिक भार दिया जाएगा, तब तो आपका जो परफॉर्मेंस इस तरह होगा वो घटेगा। तो यहाँ पे इस ऑप्शन के अनुसार अति भार आपका ओवरलोड हो जाएगा, लेकिन ओवरलोड बहुत अधिक नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, एक्टोमॉर्फिक शरीर वाला व्यक्ति निम्न में से किस क्रिया के लिए अनुकूल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एक्टोमॉर्फ का शरीर होता है, दुबला पतला मस्तिष्क प्रधान वाला और सुंदर शरीर वाला, तो यह होता है अधिकतर सहनशीलता वाले संबंधित। इसको एथलीट बॉडी भी, इसको एथलेटिक खेलों में ज्यादा समय की क्रियाएं जो होती हैं, दौड़ धूप वाला, इसमें ज्यादा अच्छा होता है। तो एक्टोमॉर्फी शरीर वाला सहनशीलता संबंधित खेलों में ज्यादा अनुकूल होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और गति और ताकत, गति और चपलता संबंधित में आपका होता है मेसोमॉर्फिक, और ताकत संबंधित में एंडोमॉर्फिक हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुशासन योजना का गठन कहाँ हुआ था, NDS का, तो इसका गठन हुआ था कस्तूरबा निकेतन नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वर्गीय महाराजा यादवेंद्र सिंह पटियाला नरेश निन्न में से किस समिति के शीर्ष स्थान पे थे, तो ये थे एडहॉक इंक्वायरी कमेटी 1958 में बनाया गया उसमें। नेक्स्ट दोस्तों, NSNIS पटियाला का मुखिया कौन होता है, तो NSNIS पटियाला का मुखिया होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एकेडमिक्स। NSNIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट पटियाला जो है, इसकी स्थापना 7 मई 1961 में किया गया था पटियाला में, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, खेल चिकित्सीय शास्त्र में किस भारतीय संस्थान ने 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया है, तो वो है NSNIS पटियाला। नेक्स्ट, निम्न में से कौन शरीर का प्रकार वैज्ञानिकों द्वारा किए गए मुख्य शरीर के प्रकारों में नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे एस्थेनिक भी है, एक्टोमॉर्फिक भी है, ये दोनों आपके सेल्डन द्वारा दिया गया है, एम्बिवर्ट भी है, बट मिंटोनेट नहीं है, मिंटोनेट एक खेल शब्दावली है। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा खेल राष्ट्रमंडल देशों में काफी लोकप्रिय है, तो वह है क्रिकेट। नेक्स्ट है, पर हेनरिक लिंक के द्वारा निम्न में से जिम्नास्टिक का वर्गीकरण नहीं है, तो दोस्तों पर हेनरिक लिंग जो थे यह आपके कहां के थे, पर हेनरिक लिंग जो है वह थे स्वीडन के, स्वीडन में व्यायाम को क्रमबद्ध तरीके से आरंभ करने वाले हैं ये पर हेनरिक लिंग। इन्होंने जिम्नास्टिक को 4 भागों में वर्गीकृत किया था, शैक्षिक जिम्नास्टिक, सैनिक जिम्नास्टिक, स्वास्थ्यवर्धक जिम्नास्टिक और कलात्मक जिम्नास्टिक।
इसमें क्या क्या है, कौन इसमें नहीं है उनका दिया हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे कौन नहीं है आपको ये छाटना है। तो यहाँ पे शैक्षिक जिम्नास्टिक यानी एजुकेशनल जिम्नास्टिक है, और सैनिक जिम्नास्टिक यानी कि मिलिट्री जिम्नास्टिक है, एस्थेटिक जिम्नास्टिक यानी स्वास्थ्य वर्धक जिम्नास्टिक भी है, और यहाँ पे कौन नहीं है आपको दिया है तो एक्रोबेटिक जिम्नास्टिक यानी कलात्मक जिम्नास्टिक, ये चारों के चारों है दोस्तों। यहाँ पे चारों के चारों है, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं है। यानी कि पर हेलिक लिंग ने जिम्नास्टिक के चार भागों में बांटा था, शैक्षिक जिम्नास्टिक, सैनिक जिम्नास्टिक, स्वास्थ्य वर्धक जिम्नास्टिक और कलात्मक जिम्नास्टिक। तो यहाँ पे आपका एजुकेशनल यानी शैक्षिक जिम्नास्टिक, मिलिट्री, एक्रोबेटिक्स है, बट एस्थेटिक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य वर्धक नहीं दिया हुआ है, तो एस्थेटिक यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट है, महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग निम्न में से चौड़ा होता है, तो वो होता है कुल्हा वाला भाग, जो हिप वाला भाग होता है। इसीलिए महिलाओं का जो गुरुत्व केंद्र होता है पुरुषों से नीचे होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका गुरुत्व केंद्र नीचा होगा और चौड़ा होगा, उतना ही संतुलन वाले क्रिया में ज़्यादा परफेक्ट होंगे, संतुलन उतना ही अच्छा होगा। इसलिए स्त्रियाँ जो हैं पुरुषों से संतुलन वाले क्रिया में ज़्यादा परफेक्ट होती हैं। नेक्स्ट है, स्वीडन द्वारा 1939 तथा 1949 में क्रमशः प्रथम व द्वितीय लिंगयार्ड खेलों का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या था दोस्तों? तो उसका मुख्य उद्देश्य था स्वीडन में जिम्नास्टिक को लोकप्रिय बनाना। दोस्तों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती महाराष्ट्र ने किस लिंगयार्ड में अपनी गतिविधियों का सुंदर प्रदर्शन किया था? तो द्वितीय लिंगयार्ड 1949 में जो स्टॉकहोम स्वीडन में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती महाराष्ट्र ने सारी गतिविधियों का सुंदर प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट है, शारीरिक विकास के उस अवस्था को बताइए जिसमें यौन रचना के अलावा किसी शारीरिक रचना में अंतर नहीं पाया जाता, तो वो है प्यूबर्टी। क्या है? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी है जो 11 से 13 साल का उम्र होता है, यानी प्री एडोलेसेंस, प्री किशोरावस्था। नेक्स्ट है, किसी आघात के कारण हड्डी का कई जगह से टूट जाना कौन सा फ्रैक्चर कहलाता है? दोस्तों यह कहलाता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। यह कहलाता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। जो फ्रैक्चर होता है मुख्य रूप से 8 प्रकार का होता है, जिसमें से साधा फ्रैक्चर यानी सिंपल या क्लोज फ्रैक्चर होता है, जिसमें हड्डी टूटता है पर चमड़ी नहीं फूटती, और दूसरा होता है मिश्रित फ्रैक्चर यानी कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर भी कहता है, जिसमें हड्डी टूटने के साथ चमड़ी भी फट करके बाहर निकल जाती है, चमड़ी के बाहर निकल जाती है। तीसरा होता है जटिल फ्रैक्चर यानी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, जिसमें हड्डियाँ टूट कर मुलायम अंगों, फेफड़ों, हृदय, गुर्दे में घुस जाती हैं। चौथा होता है विखंडित फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, जिसमें एक ही हड्डी कई भागों में टूट जाती है और इसमें संक्रमण का खतरा बना रहता है। पांचवा होता है संघात फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, जो बार बार पूछा जाता है, इसको पेनिट्रेशन फ्रैक्चर भी कहते हैं। संघात फ्रैक्चर यानी इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में एक हड्डी टूट कर दूसरी हड्डी से रगड़ खाती है, यानी एक हड्डी का टूटा हुआ सीधा दूसरी हड्डी में रगड़ खाता है, उसको कहते हैं संघात फ्रैक्चर या इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। एक फ्रैक्चर होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो छोटे बच्चों में होता है, शिशुओं में होता है, इसमें हड्डी टूटता नहीं है बल्कि मुड़ जाती है। एक होता है डिफ्रेस्ड फ्रैक्चर, जो खोपड़ी के कपाल यानी क्रेनियल भाग की हड्डी टूटकर अंदर घुस जाती है। एक होता है रोगात्मक अस्थिभंग यानी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, जो रोगग्रस्त हड्डी या छोटे रोगग्रस्त हड्डी बोला जाता है, रोगग्रस्त हड्डी का छोटे से आघात लगने के कारण टूट जाना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही, आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सेट के साथ, नेक्स्ट अभ्यास के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।